Myself, Lakshman Prasad, boss. Lakshman Prasad? Boss. तुम इसे जानते हो? नहीं, कौन है? ये भी लक्ष्मण प्रसाद था। था? अब ये सातवें आसमान पर है। ओह। एनीवेज सिट। क्वालिफिकेशंस। थैंक यू बॉस। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस तो आजकल हर टॉम डिक एंड हैरी के पास है बॉस, लेकिन आप मुझसे पूछिए कि इन सब के अलावा मेरे पास ऐसी क्या चीज है कि आई डिजर्व द जॉब? क्या? समस्या का समाधान, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जस्ट नेम इट एंड आई एम देयर। डॉग्स पे मिसिंग फिश का प्रॉब्लम, घर पे केबल टीवी डिश का प्रॉब्लम, या फिर आपके घर के टॉयलेट के फ्लश का प्रॉब्लम, आई एम देयर। दूसरी कंपनी से टक्कर का प्रॉब्लम, साइमन भज्जी या स्टीव बकनर का प्रॉब्लम, वाइफ के अलावा किसी और लड़की से चक्कर का प्रॉब्लम, आई एम देयर। वो लास्ट में क्या बोला तुमने? वाइफ के अलावा किसी और लड़की से चक्कर का प्रॉब्लम, आई एम देयर। नहीं, तू भौंकने वाला लगता है, काटने वाला नहीं। अब अरे सर, आप जब तक मुझे आजमाएंगे नहीं आपको पता कैसे चलेगा। आप एक काम कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम बताइए मुझे, देखिए मैं फटाफट सॉल्यूशन देता हूँ। ठीक है, मैं मेरा एक दोस्त था। दोस्त? उसने अपनी बीवी से झूठ कहा कि उसने रात अपने दोस्त एंथनी गोंसाल्विस के साथ बिताई, बट एक्चुअली उसने एक लड़की की जान बचाई। दोनों ने थोड़ा वक्त यॉट में साथ में गुजारा और लड़की थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी तो उसने टीवी ऑन कर दिया और फिर और टीवी पे हॉट सीन चल रहा था, लड़की थोड़ी और अनकंफर्टेबल हो गई और आप डबल अनकंफर्टेबल। मैं? आप? उस रात उस लड़की के साथ आपका दोस्त नहीं, आप थे बॉस, है ना? तेरे पास पोपट है क्या? क्या मतलब? नहीं, वो भविष्यवाणी करने वाला पोपट? नहीं, अरे सर, मैं तो आपको आगे ही कहानी भी बता सकता हूं। टीवी पे हॉट सीन शुरू होने के बाद आपने लड़की की ज्योग्राफी देखी और फिर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी की हिस्ट्री भूल गए, फिर आपकी केमिस्ट्री रंग लाने लग गई और आप फिजिकली और पास आ गए और फिर एक सेंसुअस सेडक्टिव सेक्सी रोमांटिक ड्यूट। बस ये तो एपिटाइजर था बॉस, मेन कोर्स तो पहले ही कर चुके हैं। क्या करे, अब होनी को कौन टाल सकता है, है ना? आए, 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 कैसे दुल्हन की तरह शर्मा रहे बॉस। कोई बात नहीं, आपकी वाइफ का प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। आपकी वाइफ ने तो एंथनी को देखा ही नहीं है। आपकी वाइफ ने मुझे भी नहीं देखा। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे? आज से मैं एंथनी गोंसाल्विस, मैं आके आपकी वाइफ को बताऊंगा कि उस रात आप उस लड़की के साथ नहीं, मेरे साथ। ओके? एक बात बता, शक्ल से तो कमीना लगता है, अकल से वहां कमीना है। थैंक यू बॉस, अब आपको सिर्फ मेरा अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करना होगा, फिर मेरी गर्लफ्रेंड के घर वाले खुश हो जाएंगे और हमारी शादी पक्की हो जाएगी। तेरे पास पोपट नहीं है ना? नहीं है। मेरे पास है, पहले मेरा काम फिर अपॉइंटमेंट लेटर, कल सुबह 9 बजे। ओके, आई होप यू एंजॉयड द राइड सर। होप क्या, आई एम श्योर यू एंजॉयड द राइड। आफ्टर ऑल गोवा में हमारे राइड्स वर्ल्ड फेमस है। राइड तो अच्छी थी बेटा, पर लेकिन समुद्र में स्पीड ब्रेकर पहली बार देखा। तेरे को अच्छा सुन, ये राइड तो हो गई, अब एक रात वाली ब्राइड कहाँ मिलेगी? तेरे को तो मालूम होगा। अरे बोल ना, पंजिम बीच पे? नहीं रे, पालोलेम बीच पे। पता नहीं, बोल रहा हूँ पता नहीं। चलो चलो निकले यहाँ से, आए चले चले चला निकले। ब्राइड क्या है, ब्राइड क्या है? अरे मेरे मुन्ने, गुस्सा क्यों करता है तू? क्यों गुस्सा हो रहा था? मेरे प्यार का रस जरा चख ले और मेरे हक ले, मेरे प्यार का रस चगले। क्या है, मस्ती चढ़ी है, उतारू क्या? चल निकल। साइज जीरो, स्टाइल हीरो। अबे कौन है ये? ये टब्बू है, मेरी नर पार्टनर। तो इसी को बोलना
विलोबी में पार्टनर। अबे झंडू बांध के ढक्कन, कान के नीचे से तानपुरा बजाऊंगी तेरी माँ की, चल निकल। एक मिनट एक मिनट। ये क्या हो रहा है डब्बू? टेक इट इजी। इजी? चीजी लोग हैं ये इन लोगों के। भाई साहब, भाई साहब, लड़ाई झगड़े से किसी का भला हुआ है? इसकी उंगली मत कर डब्बू, मुझे बहुत तकलीफ होती है। आई हेट वायलेंस। अरे लेकिन इसने चालू किया। भाई साहब, भाई साहब, आप हमारे मेहमान हैं, आइए जाइए, हवा खाइए। जूते खाने वाली बात क्यों करते हैं? अबे तू सिखाएगा हमको क्या करना है? तू जाके हवा का, नहीं तो हमारे जूते तेरे को कहाँ कहाँ पड़ेंगे ना, तेरे को खुद को नहीं मालूम चलेगा, समझा ना? डबू, अबे मेरे से बात करना। ए लक्ष्मण, बोलना है इसको उंगली हटाने के लिए। ये लेना उंगली, ये ले। रामू काका, हाँ रामू काका, आओ आओ। गूंगे हो? हाँ। ओ मैडम को बोलना। आम आम आम, ए आ, ए आ। हाँ देख रामू, आओ आ। हाँ मैडम को बोलना एंथनी है, एंथनी गोंजाल्वेस। ओइ। हाँ वही। ओला जी। भंसाली नहीं रे, गोंजाल्वेस। तुम्हारे जीजू के बताए हुए एड्रेस पे मैंने एंथनी गोंसाल्विस को लेटर भेजा है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई एंथनी गोंसाल्विस नहीं है। तू क्या चाहता है कि तेरी बहन मर जाए, तेरे माँ बाप शौक में टपक जाए, तू अनाथ हो जाए? लकी गोंसाल्विस, आओ आओ अंदर, आओ, आओ, अंदर जाना है, आओ, अंदर। अरे अरे धक्का क्यों मारा, अंदर जाना है बोल रहा हूँ तो। अरे धक्का नहीं मारे, धक्का नहीं। बस बस, 3 times नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, देखिए समझा ना। ये देख आर्म्स, ये देख बाइसेप, ये देख चेस्ट, ये देख ट्राइसेप, ये देख बस क्या रहा है, ये देख, देख ना देख। अरे बस क्या रहा है, अरे अरे तू इधर ही क्या इज्जत उतार रहा है? सुन सुन ना, अरे उपवास है ना इसीलिए, वो आज दिख नहीं रहा है क्योंकि आज उपवास है ना इसीलिए। अब सुन ना सुन ना, अरे सुन, पत्थर क्या उठा लेता है तू? चीटिंग चीटिंग कर रहा है यार, क्या बच्चे लोग की तरह पत्थर उठा लेता है? मैं जा रहा हूँ ना, मैं जा रहा हूँ, तू पत्थर फेंक, पत्थर फेंक। अब आओ आओ आओ, ओए यार कुत्ते कमीने। यही कहेंगे ना वसूली भाई आप हमको, लेकिन हमको कुत्ता कहना तो कुत्तों की बेइज्जती है। हाँ, और हमें कमीना कहना शाहिद कपूर की बेइज्जती है। वसूली भाई पैसों का इंतजाम हो गया था, हो गया था, हो गया था। हाँ लेकिन नए वक्त पे वो क्या गोलियां चली तुम लोगों पे? अरे नहीं रे, वो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। डांडे वही आपके पैसे ले गया। पर डांडे तो पुलिस, पुलिस वो तो पुलिस से भी नहीं डरता है, इतना डेंजरस आदमी है, वो भी आपके आपके पैसे ले गया। मेरे पैसे? हाँ। ए, नंबर बोल उसका। 9 8 8 2 बस 10 नंबर हो गया। नहीं अभी तो 3 ही हुए, पूरा सुन लो। 9 मुझे हेलो। ए डांडे, नाउ आर इस कुत्ते
कौन बोल रहा है? अरे वसूली बोल रहा हूँ, तेरा बाप। काम को ना बीच से मेरा पैसा लेके आ। वरना 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 क्या काट डालूंगा। पता भी है किससे बात कर रहा तू? हाँ पता है, पता है। सैकड़ों बाप की एक इकलौती औलाद से बात कर रहा हूँ। वेरी गुड। सैकड़ों बाप की औलाद की तो मेरे को गंदारी गाड़ी पे बैठ। चल जल्दी। साले लुच्चे तुच्चे बाजारू मोहल्ले के गुच्छे। बाजारू दिखता हूँ क्या मैं तेरे को? तुम मरेगा मेरे हाथ से। तुम आई रो। अबे साले एक नंबर के भिखारी, बासी तरकारी, कोढ़ की बीमारी है। अबे इतनी गोलियां मारूंगा, इतनी गोलियां मारूंगा कि आत्मा भी कंफ्यूज हो जाएगी किधर से निकलूं। पुलिस आ गई, पुलिस। गोपाल लगता है कोई लंबा अंदर जाने वाला है। किधर था मैं? हाँ अबे मुझे मेरा पैसा नहीं मिला ना तो मैं तेरे को फाड़ दूंगा, बीच के बीचों बीच गाड़ दूंगा। हाँ अबे तू आता है कि मैं आऊं? अरे हो ही जाए फाइनल। हाँ बोल। आ गया मैं। अबे आ गया मैं इंस्पेक्टर तंडे। मेरे से पैसा मांगता है तू? ए शाणे हमारे साहब जो सबसे लेते हाँ। तो उनसे मांग रहे है? गंधारी शट अप यार। अरे क्या शट अप? आप लावरिस कुत्ते हो? आप सब आपकी एक औलाद हो? अरे रिपीट टेलीकास्ट ना कोई करे सगला समोर ये लगे उठा के बात करे। सॉरी साहब, इन तीनों ने कहा था साहब। किन तीनों ने? किन तीनों ने? इधर है मामा बना था क्यों उठा के ला। इट्स सो हॉट। तू अब तक यही है? दू क्या देना? हट हट। तू जा रहा है कि नहीं? जा रहा हूँ। तेरा ना कुछ समझ में नहीं आता। अरे यार ये तो पीछे ही पड़ गया। मैं जा रहा हूँ। क्या कुलाड़ी घुसाएगा क्या? रुक 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 फेंक के मारूंगा। चुप रे। सॉरी सॉरी तू थोड़ा लेफ्ट में आ, थोड़ा राइट राइट में। तू झुक रे, थोड़ा पीछे जा। लकी तू भी हट। लकी क्या क्या मैं बोलू? हाँ हेलो बॉस। हाँ हाँ बॉस। अच्छा आपका आदमी है? मेरा कोई बॉस नहीं है। तो चुप रे। नहीं नहीं बॉस आपको नहीं। ओके बॉस हम अभी आते। नहीं 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 नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक काम कर, ये पकड़ ठंडा ले, ठंडा हो। चल गुड मॉर्निंग गोवा। मैं एंथनी गोंसाल्वेस और आप प्लीज कम इन। अच्छी जगह है रहने के लिए। हाँ तो बताइए भाभी आपने मुझे कुरियर भेज के क्यों बुलाया? इस बात को कंफर्म करने के लिए कि फ्राइडे नाइट को क्या मेरे हस्बैंड गोपाल आपके साथ थे या नहीं। तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? अपने पति से पूछ लीजिए ना, उन्होंने क्या कहा? यही कि वो आपके साथ थे। कमाल है भाभी। तो अब आप अपने पति पर यकीन करेंगी या मुझ जैसे अजनबी पर? ये नौकर के सामने पर्सनल बात कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग। ये लकी है। किसके लिए? मेरा भाई। ओ देखिए एंथनी जी, गोपाल और आप एक्चुअली एकता जी आपको एक बीमारी है, शक की बीमारी। अगर आपके इंटीरियर की कोई तारीफ कर दे तो वो आपका हार्डवर्क, लेकिन अगर आपके पति की कोई तारीफ करे तो शक। अगर आपको आने में थोड़ी सी देर हो जाए तो बैड लक, लेकिन अगर आपका पति लेट हो जाए तो शक। आ? अगर आपका पति आपसे प्यार करता है तो वो आपका हक, लेकिन अगर उसने किसी से एक छोटी सी हाय हेलो भी कर दी तो शक। शक व्हाट द शक ने बड़े बड़े घर बर्बाद कर दिए एकता जी। आई एम सॉरी लेकिन आपके नस नस में ये शक का वायरस घस घुस गया है, इसलिए तो मैं कहता हूं कि शक व्हाट द ओए एंथनी तू गोपाल मेरे दोस्त। ओए मंडे ट्यूसडे, ओए वेनसडे थर्सडे, ओए फ्राइडे सैटरडे। ये क्या था? हम लोग जब भी मिलते हैं ऐसे ही मिलते हैं, स्कूल के टाइम से। अच्छा कैसा है? मत पूछ यार। अरे बोल ना। अरे अब छोड़ ना यार, मुझे बताने में भी शर्म आएगी। क्यों तूने कुछ किया? अब रहने देना कोपू, घर की बात है। अरे बोलना यार। वो यार भाभी ने बुला लिया था कुरियर भेज के, लेकिन अब उनका शक दूर हो गया है। शक? हाँ
वो वेरीफाई करना चाहती थी कि उस रात हम लोग साथ में थे या नहीं। देख गोपू, गुस्सा मत करना, गोपू रहने देना। एक्चुअली गोपाल मैं अब सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। थ्री इयर्स अगो तुम्हारी कंपनी में तुमसे इश्क हुआ, बट ऑफ कोर्स प्यार तो होना ही था क्योंकि हम दिल दे चुके थे सनम, लेकिन तुम्हारी दीवानगी ने इस दिल वाले को दिल चली समझा, सोचा कि मैंने मस्ती की, गुलमाल किया तुम्हारे शक के प्लेटफॉर्म पर, हमारे कच्चे धागे की जोड़ी फूल और कांटे की बन गई। क्या सकम दिया तुमने इस इंसान को? कैश राजू चाचा रामू चले सॉल्ट पर छिड़क। दोस्त दोस्त तो रहा, प्यार प्यार ना रहा। बस बस कर गोपू। I'm sorry गोपाल, मैंने तुम पे Leave me alone। अरे सॉरी भाभी। भाभी सुनो, भाभी शक What the? सुन सुना आती क्या तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये हमारा इलाका है। इलाका तो खुद तो का होता है। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा करता है, अच्छा करता है। हिंदी में करना, हिंदी में। क्या चल रहा है ये पोगो चिड़चिड़ चैनल पे? ये हम लोग यहाँ पे ना बिजनेस कर रहे हैं, समझा गया? हमारे होते हुए तुम लोग यहाँ बिजनेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हमारे पीछे किसका हाथ है मालूम है? गॉड का? अरे पप्पी भाई का। लड़की माँ की टन से क्या बात है बॉस? आपकी रंगीन तबीयत को तो मानना पड़ेगा, यॉट से सीधा घर पे। सॉलिड माल है, सॉलिड माल है। माल तो अच्छा है लेकिन मेरा नहीं है। तेरा है? क्या बकवास कर रहे हैं? मेरे घर में मेरे दादाजी के बाद किसी की शादी नहीं हुई है। ठीक है। यस मैं जूली एंथनी गोंसाल्विस की वाइफ। ये लड़की तो तेरी वाइफ है एंथनी। बॉस वो एंथनी की वाइफ है, मैं लक्ष्मण हूँ। लक्ष्मण? लक्ष्मण? अच्छा तो तुम वो हो जिसका अफेयर मेरे पति के साथ चल रहा है। वो तो थर्ड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड। पर तुम्हें तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी चॉइस थर्ड ग्रेड कैसे हो गई? यू आर गेटिंग इट ऑल रॉन्ग। उन्हें तो मैंने बुलवाया था कुछ पर्सनल काम के लिए। इतना पर्सनल कि तुमने ये लिखा कि जब मेरा पति नहीं होगा तभी आना। स्टॉप इट, मैं अभी तुम्हारे पति को बुलवाती हूँ, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वो अभी मेरे हस्बैंड के साथ है मेरे बेडरूम में। तुम्हारे बेडरूम में? वो भी तुम्हारे पति के साथ? उसने पीठ पीछे ये भी करना शुरू कर दिया। एंथनी यू स्कॉउंडरल, कम आउट, आई डिवोर्स यू। एंथनी भैया, एंथनी भैया, आपकी वाइफ आई है। आइए तो उसे जाने हो, कह दो, जाने हो, कह दो। अरे उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, चलिए डिवोर्स की बात कर रही है। उसे बता दीजिए कि हमारे बीच यानी मेरे पति और आपके बीच कुछ नहीं है। वो तुम्हें घर घर की कहानी देख रहा था ना,
टाइम हो गया। व्हाट नॉनसेंस, यहाँ इसका घर टूट रहा है और तुम हटो। अरे भाभी उसका कुछ नहीं होगा, देखिए जिस तरह आप शक करती है ना उसी तरह उसके शक का ब्लूटूथ भी कंटिन्यूअसली ऑन रहता है। हाँ इसीलिए तो बेचारा कहता रहता है शक व्हाट द हाथ छुपा यू स्टिंकिंग पिग। दो दिन, सिर्फ दो दिन, आई ड्रैग यू टू कोर्ट एंड डिवोर्स यू। अरे तू क्या डिवोर्स देगी, मैं तुझे डिवोर्स देता हूँ, जा कबूल है कबूल है कबूल है। जैसा तुम देख रही हो वैसा नहीं है। Divorce! जूली सुनो, अरे जूली सुनो, मैं कभी नहीं बचा रहा था कि मार रहा था मैं। क्या हो गया बॉस? एंथनी की बीवी आती। हाँ तो इसका मतलब एंथनी भी आएगा।